Now we come over to the second part of the equatorial region. I will be talking about people and culture now. People belong to different cultural groups. लोग अलग अलग cultural groups को belong करते हैं. यहाँ की जो major population है वो Congo River Basin के पास रहती है. जो लोग रहते हैं उनके houses, thatch houses होते हैं, huts होते हैं और वो palm leaves से covered होते हैं. यहाँ का ओरिजिन इनहैबिटेड जो मेजर लोग रहता है जो ह्यूमंस हैं यहाँ पे वो छोटी हाइट के होते हैं जिनको हम पिग्मीज कहते हैं. वो लोग हट्स में रहते हैं और वो हंटर्स होते हैं या फिर हंटर फूड गैदरर्स होते हैं जो अपनी लाइवलीहुड जानवरों को मार के या जंगलों में फ्रूट्स वेजिटेबल्स इकट्ठा करके अपनी लाइवलीहुड चलाते हैं. वो हम ह्यूमंस की तरह जो हम नॉर्मल लोग हैं उनकी तरह नहीं होते. बंतु नीग्रोस इज अनदर एथनिक रेस जो यहाँ के लोग मिलते हैं. इस नाम के भी लोग यहाँ पे मिलते हैं. इनकी ऑफिशियल लैंग्वेज फ्रेंच होती है और जो मिलिट्री है यहाँ की उनकी लैंग्वेज लिंगला है. अब हम यहाँ की इकोनॉमी के बारे में बात करते हैं. इकोनॉमी यहाँ की रिच डिपॉजिट्स ऑफ मिनरल्स है. बेसिकली यहाँ पे मिनरल्स बहुत मिलते हैं. ये प्रोड्यूसर है, इसका इंडस्ट्रियल प्रोड्यूसर है ये डायमंड्स का. आधे से ज्यादा कोबाल्ट जो एक और स्टोन होता है ब्लू कलर का स्टोन होता है ये भी आधे से ज्यादा दुनिया में यहीं से डिलीवर होता है. यहाँ के दूसरे मिनरल्स कौन कौन से हैं? कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, जिंक, मैग्नीशियम, यूरेनियम, रेडियम एंड कोल. यहाँ का मेन ऑक्यूपेशन क्या है? माइनिंग. अच्छा, यहाँ पे पानी बहुत है बिकॉज दिस इज इन द सेंटर ऑफ द कॉन्गो रिवर. तो यहाँ पे पानी बहुत है तो ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस भी करता है और एक्सपोर्ट भी करता है. इंडस्ट्रीज आर वेल डेवलप्ड एंड बेस्ड ऑन एग्रीकल्चरल रॉ मटेरियल्स. अब यहाँ के लोगों का मेन ऑक्यूपेशन क्या है? फार्मिंग है. तो पीपल्स मेजर ऑक्यूपेशन इज फार्मिंग. चीफ क्रॉप्स यहाँ पे क्या क्या है? राइस, मेज एंड कसावा. कसावा इज अ रूट दैट इज ड्राइड एंड पाउंडेड इन टू फ्लोर विच इज यूज टू मेक ब्रेड. मतलब हम रोटी तो हम तो खाते हैं वीट की, लेकिन ये कसावा करके एक रूट होता है जिसको वो ड्राई करके पीसते हैं और उसका फ्लोर बनाते हैं, मींस आटा बनाते हैं और फिर उसकी अपनी ब्रेड बनाते हैं या रोटी बनाते हैं. यहाँ के कैश क्रॉप्स आर कोको, कॉफी, टोबैको, कॉटन, रबर एंड ऑयल पाम. यहाँ पे ग्रो भी किए जाते हैं और एक्सपोर्ट भी किए जाते हैं. ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन के ऊपर आए तो ट्रांसपोर्ट और यहाँ पे सबसे मेजर प्रॉब्लम्स है. इंडस्ट्रीज आर सिचुएटेड डीप इनसाइड द कंट्री. जो यहाँ की इंडस्ट्रीज हैं वो कंट्री के अंदर है. तो माइनिंग सेंटर्स आर कनेक्टेड बाय रेलवेज एंड रोड्स. तो यहाँ के जो माइनिंग सेंटर्स हैं जहाँ पे माइनिंग होती है वो कनेक्टेड है रेलवे और रोड्स के थ्रू. वाटर ट्रांसपोर्ट इज मेजर फॉर्म ऑफ ट्रांसपोर्ट. यहाँ पे पानी, क्योंकि ये पानी से सराउंडेड है तो यहाँ का जो मेन ट्रांसपोर्ट है वो है वाटर ट्रांसपोर्ट. एयर ट्रांसपोर्ट इज पॉपुलर नाउ. अब जाके वहां पे एयरपोर्ट्स डेवलप हुए हैं, बने हैं, जिसकी वजह से एयर ट्रांसपोर्ट पॉपुलर है. अब हम यहाँ की सिटीज के बारे में बात करेंगे. वन थर्ड ऑफ द पॉपुलेशन लिव्स इन दी टाउन्स एंड सिटीज. यहाँ पे जो लोग रहते हैं वो मैक्सिमम लोग टाउन्स और सिटीज में रहते हैं. अब यहाँ पे किनशासा जो पॉपुलेशन है वो किनशासा में रहती है. इट्स अराउंड 1 मिलियन, 1 मिलियन लोग रहता है उसके अंदर. अदर सिटीज आर लुम्बासिनी, मुगजी, मई, किनशासगनी एंड कंगा. लुम्बाशी इज रिच इन मिनरल्स. लुम्बाशी करके जो सिटी है वो मिनरल्स के लिए फेमस है. और माता दी यहाँ का फेमस पोर्ट है.
कंज्यूमर गुड्स सच एज शूज एंड टेक्सटाइल्स आर मैन्युफैक्चर्ड इन द सिटी ऑफ किंशासा एंड लुम्बासी। मतलब यहाँ पे जो मेन प्रोडक्ट बनता है वो बनते हैं शूज के लिए, ये फेमस है, और टेक्सटाइल्स के लिए फेमस है, टेक्सटाइल्स यानी कपड़े के काम के लिए। और ये कहाँ पर है, बेसिकली कहाँ बनता है, किंशासा में और लुम्बासी में। आई थिंक एवरीबडी मस्ट हैव अंडरस्टूड व्हाट वी टॉक्ड अबाउट कॉन्गो। थैंक यू सो मच।